गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों को जो है इससे पहले जो एक में बताया गया है उनको लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग जो है पहले उसको कॉपी पे उसका नोट्स बना लीजिए, फिर आप दो तीन बार उसको रिवाइज करिए। जब आप रिवाइज करेंगे आपको ज़्यादा और समझ में आएगा। और जो नोट्स अभी तक पढ़ाया गया है वह सभी नोट्स आप लोगों को जो है आपके डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें PDF के रूप में दे दिया जाएगा। आप PDF फाइल जो भी होता है उसको क्लिक करेंगे तो आपकी जो PDF होगी नोट्स का वह डाउनलोड हो जाएगा। तो कल आप लोगों को PDF लेक्चर में उत्तर दर्पण के सूत्र का निगमन बताया गया है। अब आज जो है उत्तर दर्पण के सूत्र का निगमन बताया जाएगा। तो चूंकि अवसर दर्पण का आपको बता दिया गया है अब आज आपको पढ़ लीजिए दर्पण। तो उत्तर दर्पण में सेम प्रोसेस सब वही है, उसमें जो है कोई भी चेंजिंग नहीं है। बस इतना है जो सूत्र का निगमन है हर प्लेस पे जो सर्वोच्च त्रिभुज वाला कंडीशन आपको बताया गया था सब वही लागू होगा। केवल फर्क यही है कि कहीं कहीं उसमें पॉजिटिव की कंडीशन आएगी, चाहे वह आर हो, चाहे वह बी हो, चाहे वह एफ हो, और यू जो है वह नेगेटिव होगा। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर इसका बना लेते हैं। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर पर बात कर लेते हैं तो स्ट्रक्चर में जो कल आप लोगों को बताया गया है उसमें आप लोग जो है पहले यात्रा करेंगे उस वीडियो को देखते रहिए। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो तो दो तीन बार उसको जो है आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको वीडियो ज़्यादा बेहतर रूप से समझ में आएगा और आपका नोट्स जो है वह कम्प्लीट भी हो जाएगा और आपका तैयार हो जाएगा। स्ट्रक्चर आपका जो है वह उत्तर दर्पण का है। इसका है उत्तर दर्पण का है। जैसा आपको बताया गया उत्तर दर्पण में जो भी बनता है वो सदैव आभासी बनता है। जैसा बनता है आभासी बनता है। तो मान लेते हैं कि माना एक वस्तु वो डैश है जो अवतल दर्पण के सामने रखता है। तो अवतल दर्पण के सामने रखता है इसका आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब, आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब कहां बनेगा बेटा आई आई डैश पर। और जो ये आपने बिंदु ए लिया हुआ है बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर लंब हमने क्या बात किया ए। जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है पीएम जो कि फोकस दूरी है उसको स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, पीआई प्रतिबिंब की दूरी उसको बी से, पीसी जो अकर्ता त्रिज्या है उसकी दूरी है स्मॉल आर से, और बी को जो कि वस्तु है उसको स्मॉल यू से प्रदर्शित करेंगे। अब समरूप त्रिभुज की कंडीशन आपको प्रीवियस लेक्चर में समरूप सभी विस्तार पूर्वक आपको समझा दिया गया है। अब इसमें भी वही कंडीशन जैसे उसमें था त्रिभुज सी ओ ओ डैश और त्रिभुज सी आई आई डैश समरूप होगा वैसे इसमें भी होगा। अब जैसे आपने लिया त्रिभुज सी ओ ओ डैश और त्रिभुज सी आई आई डैश यह भी समरूप होगा। कैसे होगा देखो ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री इक्वल होगा। अगर देखा जाए ये एंगल त्रिभुज सी ओ ओ डैश और सी आई आई डैश दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या रहता कॉमन है। तो जब दोनों में कॉमन है तो दोनों में वही कोण मिलेगा। तो आप चूंकि दो कोण हो गया एक कॉमन वाला हो गया और यह एंगल इसके बराबर है इसीलिए यह एंगल इसके क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा। तो यह त्रिभुज आपका सी ओ ओ डैश और त्रिभुज सी आई आई डैश यह क्या हो जाएगा आपका समरूप होगा। यहां पर होगा त्रिभुज सी ओ ओ डैश तथा त्रिभुज यहां हो जाएगा आई आई डैश यहाँ हो जाएगा समरूप है। तो जब यह समरूप त्रिभुज है तो आपको बताया गया ये उभयनिष्ठ है और यह एंगल इसके क्या है इक्वल है हो जाएगा सी ओ अपान कितना हो जाएगा सी आई क्या हो जाएगा बेटा सी ओ
यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ये वाला जो इनपुट है वह आपका किसके, यहाँ पर देखो ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला वो इसके एंगल है ना इक्वल है, तो यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाए अपान कितना हो जाएगा आई आई है, यह हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर वन। इसी तरह आप ये त्रिभुज यह ए एन और यह पर आई आई है, देखो यहाँ पर आप देखिए त्रिभुज यह ए एन तथा त्रिभुज यह आई आई है, क्या हो जाएगा का समरूप है। अब समझो यहाँ पर समरूप कैसे होगा, ये 90 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का है बराबर है। इसके बाद देखो यह ए एन है और यह पर देखो दोनों में जो है ये जो इंटीग्रल है वह दोनों में कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है यहाँ भी कॉमन है, वही होगा तो तीसरा वाला जो ए वाला एंगल है और इसके क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसको अलग से देख लिया जाए जैसे यही आपके पास है ये, अब आपके पास यहाँ ए हो गया यहाँ एन हो गया यहाँ पर एन हो गया यहाँ आई हो गया यहाँ आई एस हो गया। अब ये है कि देखो ये 90 डिग्री का सपोज कर लो ये है ठीक है 90 डिग्री का इक्वल है और ये आपका क्या है उभयनिष्ठ एंगल, तो जब यह आपका एक उभयनिष्ठ एंगल है तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या हो जाएगा इक्वल होगा, तब यह एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा इक्वल होगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा यह कोण इस कोण के बराबर है और ये 90 का ये 90 अंश का दोनों बराबर है, इसलिए यह भुजा और बटे यह भुजा हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा अब कितना ए एन अपान कितना हो जाएगा आई आई है इक्वल टू। अब आप यहां देखिए यहां पर क्या हो जाएगा आपका यह एन और अपान कितना हो जाएगा यह पर, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है और ये उभयनिष्ठ है तो यह एन बटे कितना हो जाएगा यह पाई हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा यह एन बटे यहां हो जाएगा यह पाई। अब कंडीशन यही है कि जो ए एन ओ ओ डैश यह भी समरूप होगा, ये क्या होगा आपका समरूप होगा, क्यों होगा क्योंकि आई होगा क्यों होगा आई क्योंकि ये 90 अंश का है 90 अंश का इक्वल हो गया, ये 90 डिग्री का है ये 90 डिग्री का है तो इक्वल हो गया। अब देखो जब ये 90 अंश का यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहे हो ये भी 90 डिग्री का क्योंकि सीधी रेखा है तो ये भी 90 अंश का ये भी 90 अंश का, ये चारों कोण जब 90 अंश के हो गए इसलिए यह क्या हो जाएगा आयत हो गया। तो आयत के समरूप भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर, तो यहाँ पर ओ ओ डैश किसके बराबर होगा एन के, यहाँ पर हो जाएगा चूंकि एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ डैश, क्यों क्योंकि यह एक आयत है तो यहाँ पर हो जाएगा इसलिए ओ डैश अपान हो जाएगा आई आई डैश और यहाँ हो जाएगा एफ एन अपान कितना हो जाएगा। अभी आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया गया है कि जो गोली दर पर होता है अगर उसके व्यास को छोटा करेंगे तो जो यह होगा उसके लिए बिल्कुल नजदीक होगा, ए भी नजदीक होगा और एन भी नजदीक आएगा, तो जो दूरी आपका एनएफ होगा वही दूरी किसके बराबर होगा पीएफ के, लेकिन कब जब आप गोली दर्पण का व्यास छोटा करेंगे तब, तो यहां पर हो जाएगा गोली दर्पण का व्यास छोटा होने पर, तो जब आप छोटा करेंगे तो जो एनएफ होगा रेखा वह किसके बराबर हो जाएगा पीएफ, तो यहाँ पर अंतर कीजिए तो यहाँ पर आएगा आता है यहाँ पर आएगा पी एफ अपान एफ आई इक्वल टू कितना हो जाएगा ओ डैश अपान कितना हो जाएगा आई आई डैश, यह हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो समीकरण एक और दो की हम लोग बात करते हैं तो राइट हैंड साइड के बराबर है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा समीकरण एक व दो से यहाँ पर आपका हो जाएगा बेटा देखो सी ओ अपान सी आई इक्वल टू यहाँ हो जाएगा पी एफ अपान हो जाएगा या अपान इक्वेशन नंबर है। तो आप देखिए यहाँ पर हम वैल्यू निकाल लेते हैं सी ओ जो कि दूरी हमारे पास है, अब इसको फाइंड आउट करेंगे करते हैं तो सी ओ निकालेंगे सी ओ जो कि दूरी हमको कहाँ से नापना है पी से नापना है, तो ये पी जो है यह अगर पी से हमको दूरी नापना है तो सी ओ में कन्वर्ट कैसे होगा, अगर हम सी ओ बराबर क्या करते हैं पी ओ और पी सी दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा
हम पी से ही दूरी ना करेंगे, आपको बताया गया अच्छे परिवार की। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पीओ और प्लस हो जाएगा मतलब पीसी, पीओ प्लस पीसी, इन दोनों को इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, पूरा सीओ के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब पीओ की बात कर रहे हैं, पीओ जो आपकी पूरी दूसरी रोड किया जा रहा है बाई तरफ है, बाई तरफ होगा तो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मतलब माइनस यू, पीसी जो की वक्रता त्रिज्या है दाही तरफ है, दाही तरफ मतलब क्या हो जाएगा प्लस आर हो जाएगा। इसी प्रकार आप सी आई की दूरी निकाल लो, सी आई हमारे पास कितना है, ये सी आई ये है, अब सी आई ये है तो दूरी पी से नापना है, अगर हम लोग पी सी में से ये पी आई को हटा दें, पी सी माइनस पी आई, अगर हम लोग पी सी माइनस क्या कर दें पी आई कर दें, पी सी में से पी आई हटा देंगे तो जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा सी आई। अब पी सी हमारे पास कितना है, पी सी हमारे पास है देखो आर जो कि दाहिनी तरफ है तो प्लस होगा, माइनस पी आई जो कि दाहिनी तरफ है जो कि प्रतिबिंब की दूरी होगा वो बी से डिवाइड किया जाएगा तो प्लस पी होगा, तो प्लस का होगा माइनस कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार अब आप क्या करेंगे पी एफ, पी एफ हमारे पास है तो जब पी एफ हमारे पास है तो पी एफ के लिए क्या करेंगे, यह आपके पास है तो यहाँ पर पी एफ आपके पास है, ये दाहिनी तरफ है इस मार्ग से तो दाहिनी तरफ है इसमें क्या हो जाएगा आपका प्लस है। इसी तरह आप एफ आई निकाल लीजिए, तो एफ आई अगर आप निकालेंगे एफ आई हमारे पास यही है, अगर हम पी एफ पैसे क्या करते हैं पी आई घटा दें तो हमारे पास एफ आई पता चल जाएगा, इसमें घटाना है पी एफ पैसे पी आई को क्या कर देना है घटा देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा पी एफ और माइनस हो जाएगा पी आई, पी एफ कितना हमारे पास है प्लस है और पी आई हमारे पास कितना है प्रतिबिंब की दूरी है तो देखिए ये जितने भी आपने वैल्यू निकाला है ये सब इक्वेशन नंबर है, क्या करेंगे फर्म में रख दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा आपका समीकरण तीन से, समीकरण तीन से, अब तीन से देखो यहां पर सीओ की वैल्यू कितना है माइनस यू प्लस आर अपॉन सी आई की वैल्यू कितना है आर माइनस बी, इसके बाद पी एफ की वैल्यू कितना है एफ अपॉन इसकी वैल्यू कितना है एफ माइनस, आपको अभी कल बताया गया था प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बताया गया था कि जो वक्रता त्रिज्या होता है फोकल दूरी के क्या होता है दूरी के बराबर होता है, तो यहाँ पर रखिए u प्लस यहाँ पर टू एफ अपॉन टू एफ माइनस बी, यहाँ एफ हो जाएगा एफ माइनस बी क्योंकि यहाँ पर r इक्वल टू कितना होगा बेटा टू एफ। अब मल्टीप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई इसमें इसमें करिए तो माइनस यू और प्लस टू एफ यहां हो जाएगा एफ माइनस बी एफ हो जाएगा टू एफ माइनस बी, मल्टीप्लाई करो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में तो माइनस यू एफ, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में तो प्लस यहां पर हो जाएगा यू बी, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में तो प्लस टू एफ का मल्टीप्लाई एफ में करेंगे तो टू एफ स्क्वायर, प्लस का मल्टीप्लस माइनस में तो माइनस एफ का टू एफ का मल्टीप्लाई देंगे तो टू एफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा टू एफ स्क्वायर और प्लस का माइनस में तो माइनस क्या हो जाएगा ये तो नहीं, ये तो आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा कट जाएगा आपका। अब देखिए आपको बताया गया था यू भी प्लस में इसको एक तरफ रखिए बाकी जितने दोनों माइनस वाले हैं इनको राइट साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा यू बी इक्वल टू माइनस एफ बी और ये माइनस है टू एफ बी इधर आएगा क्या होगा प्लस, यहाँ हो जाएगा टू एफ बी माइनस इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस यू एफ। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो टू एफ बी में से एफ बी घटाएंगे तो कितना आएगा एफ बी आएगा, तो यहाँ हो जाएगा यू बी इक्वल टू हो जाएगा एफ बी और प्लस कितना हो जाएगा यू एफ हो जाएगा। ठीक अब आप क्या करिए आपको बताया गया दोनों तरफ आप क्या करिए यू बी एफ से भाग दीजिए, यहाँ हो जाएगा दोनों तरफ यू बी एफ से भाग देने पर यहाँ पर हो जाएगा यू बी अपान यू बी एफ इक्वल टू एफ बी अपान यू बी एफ प्लस यू एफ अपान यू बी एफ। ठीक अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल होगा यहाँ से कुछ, यहाँ पर यू बी कैंसिल हो जाएगा एफ से एफ और बी से बी यू से यू और एफ से एफ, तो आपका वही बचेगा वन अपान एफ इक्वल टू वन अपान यू और
करिए तो यही आपके उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के सूत्र का यह क्या है, निगमन है चाहे वह उत्तल दर्पण हो चाहे वह उत्तल दर्पण हो, दोनों सूत्र है, दोनों की फोकस दूरी के जो सूत्र है वह दोनों का समान आता है। ठीक है, चित्र भले अलग अलग रहता है उसका निगमन कराने में, उसमें सभी लगे रहता है, इसमें तीन आपके पॉजिटिव होते हैं और दो आपका क्या होता है नेगेटिव होता है। ठीक, अब कल आपको और भी आगे लेक्चर में आपको बताया जाएगा, इस यहीं तक आप पहले अपना गूगल नोट्स पूरा तैयार कर लीजिए, पूरा कॉपी पे आप जो है क्या करिएगा तैयार करके दोनों नियमन जो है आप, चूंकि दोनों नियमन सेम है इसलिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग घर पे दो तीन बार जो है वीडियो को देखिए, वीडियो को देखने के बाद आप दो तीन बार जो है इसका इस सूत्र का नियमन करिए, क्योंकि ये परीक्षा में आने के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, थैंक यू।